डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम है वर्षा धीमान और आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है एक्सपर्ट्स इन डिफेंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं गाइस आप सभी स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग की प्रिपरेशन चल रही है? तो गाइस आप लोग काफी समय से रिक्वेस्ट कर रहे थे दैट यू वांट पीवाईक्यू सेशंस फॉर योर सीरियस एग्जाम। तो गाइस आज के इस सेशन में हम लोग साइंस के जो आप लोग का अप्रैल 2023 में सीरियस का एग्जाम हुआ था, साइंस के जो क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ यहाँ पर कनेक्टेड है, आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए दैट द वॉइस इज ओके एंड द स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल टू यू, सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर डिस्कशंस इन अ वेरी हेल्दी मैनर। कैसे हैं गाइस आप सभी, एक बार कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए दैट एवरीथिंग इज ओके, वॉइस इज ओके, स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइमली आता रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स CDS एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स की हमारे साथ मिलकर बेहतर तरीके से प्रिपरेशन हो सके। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहे हैं, और ये क्वेश्चन अभी आपका जो 2023 में अप्रैल में एग्जाम हुआ था तब के क्वेश्चन है। तो है यू कैन सी कि हाउ डिफरेंट एंड हाउ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आर आस्क्ड इन एन एग्जाम। सबसे बड़ी चीज पता है साइंस के आपके काफी मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस अगर हम जनरल नॉलेज वाले पोर्शन में देखें तो साइंस के होते हैं। तो इसलिए आपका साइंस पोर्शन काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गिवन है। व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट करके आप मुझे टैग करके बताओ दैट यू वॉन्ट साइंस का बैच और नॉट। अगर आप साइंस का बैच चाहते हो तो जल्दी से इन्फॉर्म कर दो ताकि मैं जल्दी से उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दूँ, एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। आप जैसा कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग एफर्ट्स जो है फर्दर किए जाएंगे, क्लियर? सो हियर वी गो। क्वेश्चन नंबर वन आपसे क्या पूछा गया था, स्प्रिंटर फील्स क्रैम्प्स एंड पेन इन द थाई मसल्स आफ्टर इवेंट। जो भी आपका एक एथलीट होता है, स्प्रिंटर होता है, उसको अपने थाई मसल्स में क्रैम्प्स और पेन फील होता है, ठीक है, जब भी कोई पर्सन रन करता है, जैसे कि वो स्पीड अपनी इंक्रीज करता है, उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, उसकी एनर्जी ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज होती है, तो उसको थाइस में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो डू यू हैव एन आइडिया व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? यू हैव टाइम ऑफ 10 सेकेंड, थिंक ओवर इट एंड आंसर। देखो बच्चे, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मेटाबॉलिज्म ऑफ जो भी उसने कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट कंज्यूम किया है, जो भी उसने फूड कंज्यूम किया है, तो उस टाइम पर आपके मसल्स में ऑक्सीजन का सप्लाई जो होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का सप्लाई लिमिटेड होता है। तो इन दैट केस जो कार्बोहाइड्रेट है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, और आपके मसल्स के में यहाँ पर जो रिएक्शन होती है उसकी वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, इसी वजह से हमें मसल्स में क्रैम्प्स एंड पेन फील होता है, ठीक है। द रीजन बिहाइंड इट इज इनकम्प्लीट डिसइंटीग्रेशन, और हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स जो कि आपने एज एन एनर्जी सोर्स कंज्यूम किए हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक सेकेंड, यस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे पहले, फिर हम इसके क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर हम टाइम के साथ आप लोगों को समय दिया जाएगा 10 सेकंड का ताकि आप सोच लो क्या क्वेश्चन, ठीक है। आपने क्या किया, एक ट्री से एक लीव को प्लक कर दिया, ठीक है, आपके पास अभी ये लीव। मैंने क्या किया, ऑन अ सनी डे, यानी कि जिस दिन अच्छे से धूप थी उस दिन आपने, जिस दिन अच्छे से धूप थी, सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अच्छे से हो रहा था, और लीव का कलर कौन सा था, लीव का कलर ग्रीन था, ठीक है। फिर आपने इसको प्लग करने के बाद आपने इस लीव को बॉइलिंग वाटर के अंदर रखा 2 मिनट्स के लिए। 2 मिनट्स के लिए आपने इस लीव को रखा बॉइलिंग वाटर के अंदर, ठीक है। इट वाज सब्सिक्वेंटली इमर्ज्ड इन बॉइलिंग अल्कोहल, और फिर आपने इसको वाटर से निकालकर
आपने इसको बॉइलिंग अल्कोहल के अंदर इमर्ज कर दिया, अल्कोहल के अंदर आपने इसको इमर्ज कर दिया एंड ट्रीटेड विद, और फिर आपने इस लीव को आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ट्रीट कर, आपको बताना है व्हाट विल बी द फाइनल कलर ऑफ द लीव आफ्टर द टेस्ट। जब आपने ये आयोडीन टेस्ट परफॉर्म कर दिया है एंड यू हैव जस्ट चेक्ड कि लीव के अंदर पिगमेंटेशन को चेक करने का ये एक टेस्ट है, तो अब आपको बताना है कि अब लीफ का कलर कौन सा है। क्या वो ग्रीन कलर की रहेगी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, क्या वो ग्रीन कलर की रहेगी, क्या वो कलरलेस हो जाएगी या फिर ब्लू कलर में इमर्ज होगी या फिर व्हाइट कलर की हो जाएगी। एस आयोडीन आप यहाँ पर सॉल्यूशन ले रहे हैं तो देन आयोडीन विल बी एब्जॉर्ब बाय द सेल्स ऑफ द लीफ, जो मेसोफाइट सेल्स आपके लीफ में प्रेजेंट है एंड लीफ विल अपीयर टू बी ब्लू इन कलर। ठीक है, और ये एक टेस्ट है क्लोरोफिल पिगमेंटेशन को चेक करने के लिए भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है कि द रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन ब्लड आर आइसोलेटेड, हमारे ब्लड से रेड ब्लड सेल्स की शेप कैसी होती है, रेड ब्लड सेल्स आर बाइकनकेव इन शेप, ये आपके बाइकनकेव इन शेप होते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन ब्लड आर आइसोलेटेड, तो इन ब्लड सेल्स को हमारे बॉडी से आइसोलेट किया, फिर इनको नॉर्मल सेलाइन वाटर के अंदर, ठीक है, आइसोटोनिक बोला है ना यहाँ पर, आइसोटोनिक का मतलब ये है कि जो आपके ब्लड की कंसेंट्रेशन है ना वही उस सेलाइन वाटर की कंसेंट्रेशन है जिसके अंदर आप इसको डाइल्यूट कर दो, जिसके अंदर आप आपके रेड ब्लड सेल्स को डिप कर दो। आपको बताना है कि रेड ब्लड सेल्स पर क्या इम्पैक्ट हो। सो गाइस बेसिकली हम जब ऑस्मोसिस की बात करते हैं, दैट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम डिपेंडिंग अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट्स और सॉल्यूट प्रेजेंट इन इट। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर ये चीज देखिए, देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। वन इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द सब्सटेंस जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, सेकेंड इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, द थर्ड इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर जिस वो जो सब्सटेंस है उसको जिस सॉल्यूशन के अंदर आप डिप कर रहे हो उस सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन अगर कंपैरेटिवली ज्यादा है तो उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, अगर वो सब्सटेंस की और बाहर के सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन सिमिलर है तो उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, और अगर जो सब्सटेंस है उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है और बाहर जो सॉल्यूशन आपका है जिसमें आपने उसको डिप किया है उसकी कंसेंट्रेशन कम है तो उस सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया था कि रेड ब्लड सेल्स को अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो व्हाट विल बी द चेंज। तो गाइस आई हैव गिवन यू द एक्सप्लेनेशन, नाउ गिव द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन, आई हैव गिवन यू द टाइम ऑफ 10 सेकंड टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो द राइट रेड ब्लड सेल्स विल स्वेल, वो स्वेल हो जाएंगे मींस से वो पानी को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर देंगे, वो स्वेल हो जाएंगे और बर्स्ट मतलब एक्सेस में वाटर को एब्जॉर्ब कर देंगे एंड दे विल बी बर्स्ट आउट। RBCs will shrink, उनमें से सारा का सारा वाटर जो है वो बाहर लॉस हो जाएगा। देखो स्वेल होने का चांसेस तब होता है अगर बाहर आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, वहीं पे स्वेल होके बर्स्ट अगर वो एक्सेसिवली अपना सेचुरेशन पॉइंट से अबव चला जाए तो देन देयर विल बी द चांसेस ऑफ बर्स्टिंग। RBCs का श्रिंक होने का चांसेस तब होता है अगर बाहर जो सॉल्यूशन है वो अगर हाइपोटोनिक है उसके अंदर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन अगर जाती है। No change in the diameters of the red blood cells, यही इस क्वेश्चन का आंसर है क्योंकि we are talking about isotonic solution. Iso word का मतलब ही होता है same. दोनों जगह concentration क्या है same. अगला क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए guys क्या होगा। Question here is, यहाँ पर पूछा है Which one of the following statements regarding bile juices secreted by liver is not correct? ये जो not word है इसपे emphasize करें, ठीक है, हमारा जो liver है वो bile juices को secrete करता है, liver हमारे digestive system का part है, human digestive system हमारे digestive system का part, ठीक है। Question है आप लोगों से, which one of the following statement regarding bile secreted by liver is not correct? पहला है बाइल के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो लिपिड्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, दूसरा है बाइल फैसिलिटेट्स करता है आपके फैट्स के इमल्सिफिकेशन को यानी कि फैट्स के ब्रेकडाउन को, थर्ड है
बाइल्स का मेन काम होता है एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज करना जो भी आपके स्टमक से आ रहे हैं, क्योंकि बाइल आर एल्कलाइन इन नेचर. नेक्स्ट है बाइल मेक्स द पीएच ऑफ द फूड एल्कलाइन एंड फैसिलिटेट्स एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम, क्योंकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को वर्क करने के लिए एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है. तो बाइल का मेन काम होता है फूड को एल्कलाइन करना. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. What would be the right state? What would be the wrong state from statement from the options given there? The right answer is option number A. ठीक है, आपका option number A यहाँ पर गलत है, क्योंकि बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. गाइस मैं आपको ये बात पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बताती हूँ, हमारे लीवर से कोई एंजाइम्स का सेक्रेशन नहीं होता है, यहाँ से बाइल जूसेस का सेक्रेशन होता है. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए स्क्रीन पर. The blood pressure of a normal human being is found to be, हमारा normal blood pressure ये होता है, ठीक है, mm of Hg, क्योंकि blood pressure आपका pressure की unit mm of Hg की होती है ना. दूसरा, आप जिस equipment की help से blood pressure को measure करते हो उसको sphygmomanometer कहा जाता है. ये चीज भी clear हो गई. आपको बताना है दीज नंबर्स रिप्रेजेंट द ब्लड प्रेशर एट कौन कौन सी सिचुएशन पे ये आपके ब्लड प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं. सबसे इजी तरीका मैं आप लोग को यहाँ पर बता देती हूँ. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेंट्रिकल्स पार्ट. हमारे हार्ट में चार चैम्बर होते हैं. ऊपर वाली यहाँ पर आपका हार्ट ग्रो करते हैं. हमारे हार्ट में चार चैम्बर प्रेजेंट होते हैं. ऊपर वाले चैम्बर्स आपके एट्रियम होते हैं, नीचे वाले चैम्बर आपके वेंट्रिकल होते हैं. दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल. तो जब आपका राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है आपका फ्लो करता है इन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से आपके लंग्स में जाता है, उसमें कंट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल्स में. और सिमिलरली लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओल्टा में जाता है, सो दैट ऑक्सीजन ब्लड विल बी सप्लाइड टू द होल बॉडी पार्ट. तो यहाँ पर वेंट्रिकल्स में जो कंट्रैक्शंस होती हैं, दैट कंट्रैक्शंस इज शोन बाय द डिजिट, जो हायर डिजिट होती है हमारे ब्लड प्रेशर, दैट इज 120. इसका मतलब है ब्लड का सप्लाई जो है दैट आउट ऑफ द बॉडी आउट ऑफ द हार्ट इज गोइंग ऑन एप्रोप्रिएटली विद हाई प्रेशर. और वहीं पर जब वेंट्रिकल से ब्लड का सप्लाई आउट हो गया है तो उस टाइम को रिलैक्स सिचुएशंस में आएंगे, तो दैट रिलैक्स्ड प्रेशर इज शोन बाय द सेकंड और द लोअर डिजिट व्हिच इज 18. ठीक है, दिस इज द प्रेशर. अब मैं आपको एक और क्वेश्चन आता है दैट इज आल्सो बी एक्सप्लेन, उसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्लड प्रेशर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. और इसको हम वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन और फर्स्ट को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और आपका वेंट्रिकल रिलैक्सेशन वाले को हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं. और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम 40 mm of Hg बोलते हैं. ठीक है भाई, क्लियर होगा यहाँ तक की सारी चीजें. चलिए लेट अस फोकस ऑन द नेक्स्ट टर्म. अच्छा, इसमें तुम लोग को मैंने चांस ही नहीं दिया ना, मजे हो गए, मैंने बता दिया क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए स्क्रीन पर. ए पर्सन बर्न्ड अ फायर क्रैकर इन फ्रंट ऑफ ए क्लिफ. उसने एक क्लिफ, एक तरह से आपका हिल है, उसके नियर बाय एक बच्चे ने फायर क्रैकर को बर्न करा, उसने फायर क्रैकर उसने आग लगा दी एंड हर्ड इट्स इको 5 meters आफ्टर इट बर्न. और यहाँ से उसको वो जो साउंड सुनाई दी वो 5 meters के 5 seconds के बाद सुनाई दी. द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन, और ये जो क्लिफ है इस पर्सन से कितने डिस्टेंस पे है. इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज 340 meters per second, अगर द स्पीड ऑफ द साउंड इज 340 meters per second, आपको बताना है इस पर्सन से आपका
क्लिफ जो है वो कितने डिस्टेंस पर है. द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चंस नहीं, व्हाट वुड बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन. देखो वहां से उसके पास से साउंड यहाँ पे गई है, देन उसको सुनाई दी, ठीक है. तो दैट इज द टोटल डिस्टेंस, ठीक है. तो डिस्टेंस यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दैट स्पीड इनटू टाइम. स्पीड यहाँ पे 340 है और ये आपका टाइम 5 सेकेंड है. तो हेयर कम्स 5, 4, 20, 5, 15, 16, 17. तो 1700 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस साउंड ने आपके कान तक पहुंचने के लिए. बट आपसे पूछा गया है कि क्लिफ और उस पर्सन के बीच में डिस्टेंस कितना है. तो दैट विल बी द हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड रीच योर ईयर. तो दैट विल बी 1700 का हाफ 850 मीटर, ठीक है. अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है. जितने स्टूडेंट्स मेरे साथ फिलहाल कनेक्ट हैं और इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, गाइस इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन अमंग योर फ्रेंड्स आल्सो, ठीक है. तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा गया है, क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से ये पूछा गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द माइक्रोफोन एंड द स्पीकर ऑफ द मोबाइल फोन. पता है ना तुम्हें, माइक्रोफोन होता है हमारे फोन में और एक स्पीकर होता है. स्पीकर से आपको साउंड आती है, ठीक है. माइक्रोफोन में आप बोलते हो, ठीक है. अब आप बताओ जब आप किसी से फोन पे बात करते हो तो बिकॉज ऑफ द स्पीकर यू कैन लिसन व्हाट्स द पर्सन हु इज स्पीकिंग नेक्स्ट वो बोल रहा है, ठीक है. और माइक्रोफोन में आप जो बोलते हो वो सामने वाले के पास पहुंच रहा है, ठीक है. तो माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड को मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है. माइक्रोफोन साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है. स्पीकर कन्वर्ट करता है मैकेनिकल सिग्नल को साउंड में, या फिर स्पीकर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में, ठीक है. द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या होगा. माइक्रोफोन की हेल्प से सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है. जो आप साउंड बोल रहे हो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू, बताइए. मैं तुम लोगों को टाइम देती हूँ, फिर तुम लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ आंसर. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, राइट आंसर इज यस, कि माइक्रोफोन क्या करता है, जो आप बोल रहे हो, जो आपकी साउंड है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है और वो दूसरे के पास पहुंच रहा है. स्पीकर क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल सामने से जो साउंड आ रहा है उसका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसको साउंड में कन्वर्ट कर रहा है ताकि आप उसको सुन सको. तो स्टेटमेंट नंबर टू एंड स्टेटमेंट नंबर फोर आर करेक्ट, ठीक है. आपको ये बताना था कौन से स्टेटमेंट सही है. अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, यहाँ पर एग्जामिनर नोट अगर लिखते तो आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल चेंज हो जाता, दैट विल बी 1.3, है ना. तो प्लीज बच्चा आपको यहाँ पर देखना है कि ये जो लाइन है ना उसमें पूछा क्या है. जब आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस गिवन होंगे तब नीचे जो लाइन गिवन होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और नॉट करेक्ट, क्या क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है उसी के बेसिस पर आप आंसर करें, ठीक है. अगला क्वेश्चन, yes, what would be the right answer for this particular question? Question है आप लोगों से यहाँ पर, a 100 watt electric bulb is used for 10 hours a day. ठीक है, पावर कितनी है आपके इलेक्ट्रिक बल्ब की, इलेक्ट्रिक बल्ब की पावर हम बोल रहे हैं 100 watt. कितना टाइम के लिए यूज हो रहा है, वो 10 hours के लिए यूज हो रहा है, ठीक है. How many units of इलेक्ट्रिक एनर्जी आर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन 3 days. 3 दिन में आपको बताना है कि कितनी एनर्जी इसकी कंज्यूम हुई. एक बात बताओ, 1 दिन में कितने घंटे, 10 घंटे. 3 दिन में कितने घंटे, 30 घंटे, ठीक है. ये आपका टाइम है 30 आवर्स. आपको बोला है
100 वॉट का बल्ब आपको बोला गया है, हाउ मैनी और एक यूनिट हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी आर कंज्यूम बाय द बल्ब इन 3 डेज, और एक यूनिट आपके इक्वल है 1 किलोवाट आवर, ठीक है। और आपको यहाँ पे पावर इतने में दिया हुआ है, तो हमें पता है दैट, देखो सुनो ध्यान से करें, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन पर मिनट टाइम, आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी और वर्क डन निकालना, तो दैट इज पावर इनटू टाइम। पावर गिवन है आपको 100 वॉट, टाइम गिवन है आपको 30, तो दैट इज 3000 वॉट आवर, 3000 वॉट आवर आपको बोल दिए, ठीक है। अब उसने बोला है कि कितने यूनिट यूज हुआ है, तो देखो भैया एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर को जब आप नॉर्मल उससे देखोगे ना, तो 1000 वॉट आवर, क्योंकि 1 किलो इज इक्वल टू 10^3 होता है ना, तो यहाँ पे आपका कितना आया 3, तो दैट द राइट आंसर इज 3 यूनिट, ठीक। कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम हुई है, 3 यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम हुई है। द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, समझ आया, क्योंकि यहाँ पर ये 3000 है, जब आपको इसको किलो वॉट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से 3 जीरो को हटा के तब आपके 2 वाट आवर है, तो 3 यूनिट एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम हुई है 3 मिनट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यस, इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पर्टिकुलर पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, आपके पास एक पार्टिकल है एंड दैट पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मीन्स टू से वेलोसिटी जो है वो आपका एक सिक्वेंस में इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन तभी आपकी यूनिफॉर्म होती है अगर जो चेंज इन वेलोसिटी है वो आपका यूनिफॉर्मली हो रही है। आपसे पूछा गया है ये जो एरिया आएगा, हम हमेशा एक्स एक्सिस में टाइम को रखते हैं बिकॉज टाइम इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई एक्सिस में हम वेलोसिटी को रखेंगे बिकॉज इट इज एन डिपेंडेंट वेरिएबल। आपको बोला है ये t1 टाइम है, ये t2 टाइम है, ये v1 वेलोसिटी है, ये v2 वेलोसिटी है, ये जो एरिया यहाँ पर इस ग्राफ में आ रहा है ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखो बच्चे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला है यानी कि जो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है वो एक कांस्टेंट पैटर्न में यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, यानी कि टाइम के साथ वेलोसिटी का इंक्रीज आपका यूनिफॉर्मली हो रहा है। ग्राफ के अंदर क्या शो होगा, तो वेलोसिटी क्या होती है, ग्राफ एरिया के अंदर क्या शो होगा, तो यहाँ पर जो एरिया होगा ना, दैट इज यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इट सीम्स टू बी अ ट्रेपेज़ियम, आपको ये एरिया बताना है, तो व्हाट विल बी दैट एरिया, एरिया यहाँ पर आएगा जो आपकी ये यहाँ पर हाइट कितनी है, मीन्स टू से t2 माइनस t1, ये आपका टोटल है ना, ये कितना वैल्यू है और ये आपकी जो लेंथ है, इनको अगर हम ऐड करके इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल गिव यू द एरिया, ठीक है। और एरिया यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होती है, तो डिस्प्लेसमेंट के ही तो बराबर होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम आपका डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो द राइट आंसर कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में आपको इस एरिया की हेल्प से डिस्प्लेसमेंट की उस ऑब्जेक्ट में उस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस किया, यानी कि इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन तक पहुंचने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज, आपके पास एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, आपको बताना है इसकी पावर क्या होगी, तो पावर को निकालने का फॉर्मूला होता है 100 अपॉन f, ठीक है, दैट इज 100 अपॉन f, अगर हम बात करते हैं अगर आपके पास फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, 1 अपॉन f अगर आपके पास फोकल लेंथ मीटर में है, तो 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर 10, राइट आंसर कम्स आउट टू बी 10 डायरेक्टर, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 6।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का क्या आंसर लगाएंगे आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑन द स्क्रीन इज लुक एट द क्वेश्चन एंड आंसर। यस, इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछना गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिबन ऑफ मैग्नीशियम। आपके पास मैग्नीशियम का एक रिबन है, आपने उसको एयर में रखा, तो एयर में ऑक्सीजन विल बी देयर। तो आपके पास ये दो स्टेटमेंट्स है, व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म, कि जब ये एयर में रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम का रिबन, तो आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर ऑब्टेन होगा। पहली स्टेटमेंट तो ये है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंबशन रिएक्शन, कि ये आपका कंबशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जिसमें आपका एक फॉर्म यूटिलाइज हो रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहे हैं, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। हीट एंड लाइट आपके दोनों ही कॉम्पोनेंट्स प्रोड्यूस होते हैं जब भी रिएक्शन आपके होते हैं। तो ये तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है इन तीनों स्टेटमेंट में से। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So here the right answer for the question is option number D. तीनों ही statements, क्योंकि जब magnesium oxygen के साथ react करेगा that will be magnesium oxide, और oxygen की presence में कोई भी आपका element burn कर रहा है that will be a combustion reaction. Heat and energy दोनों produce, heat and light दोनों produce हो रहे तो that is an exothermic reaction also, and it is an example of combination reaction. ये combustion और combination दोनों ही reactions का example है। ठीक है, अगला question, next question यहाँ पर आपको से क्या पूछा गया है, which of the following statements with regard to the reaction given below are correct? जो नीचे reaction दी गई है इसके respect में आपको बताना है कि कौन सी statement जो है आपकी सही है। कैल्शियम ऑक्साइड का जब वाटर के साथ रिएक्शन हुआ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और हीट रिलीज होती है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विक लाइम, और ये जो आपका फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं स्लेट लाइम। अब देखते हैं नीचे स्टेटमेंट स्लेट करते हैं। क्विक लाइम इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, इसको हम व्हाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं पहला स्टेटमेंट। The solution of slaked lime is used for white washing of wall. ये जो आपका slaked lime है इसके solution का हम इस्तेमाल करते हैं white washing के लिए। Calcium oxide reacts slowly with carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on wall. Calcium oxide slowly calcium carbon dioxide के साथ react करता है जो air में present है, और फिर calcium carbonate के thin layer form करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कोल्ड स्लेक लाइम इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट, ये जो सारे आपको स्टेटमेंट दिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट राइट आंसर है, ठीक, कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ, टेक योर टाइम एंड आंसर। टू एंड फोर आपके स्टेटमेंट, देखो फोर्थ वाली तो सही है, आप इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। पहले क्वेश्चन में देखो सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम इज यूज्ड, हम वाइट वॉशिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ये आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट। पहले स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो जहां पर भी फर्स्ट ऑप्शन है उसको आप कर दो कैंसिल, वो आपका एलिमिनेट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, ये सही है, तो ऑब्वियसली आपके इन दो ऑप्शंस में ये प्रेजेंट। कैल्शियम ऑक्साइड तो है ही नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करते हैं, तो थर्ड ऑप्शन भी अपने आप ही एलिमिनेट हो गया। द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन,
क्या रिएक्शन होती है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और अभी देखो कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम ये तो हम 10th 11th का करते हैं। बेटा एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं हम वो कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सीरीज। तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो हम यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो आपके 10th से बिलोंग करता हो, 12th से बिलोंग करता हो, सिलेबस से तैयारी में। ठीक है, तो एग्जाम ओरिएंटेड चीजों पर ना फोकस। ओके, क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर ओवर अ फ्लेम आर करेक्ट। अगर आपने लेड नाइट्रेट पाउडर को एक फ्लेम के ऊपर बर्न करा है, आपको बताना है कि यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला है ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन मोनोक्साइड आर रिलीज्ड, कलरलेस ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन used for the production of NO2 gas के production के लिए जो use हो रही है। और यहाँ पर आपको बताना है कौन सी statement सही है। The right answer for the question will be, your time starts now. Give the right answer quickly. तो इस question के लिए सही जवाब आपका है 1 and 2। सबसे पहले तो brown color के जो fumes form होते हैं nitrogen oxide, that is important। पहला तो ये, दूसरा यहाँ पर है ऑक्सीजन गैस भी लिबरेट होती है, दैट इज अ कलर। तो ऑप्शन नंबर 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इनमें से कौन सा एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये है कि जब कोई एटम, किसी भी एलिमेंट का कोई एटम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इनमें से कौन सा एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है। रस्टिंग ऑफ आयरन को हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रेंसिडिटी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, आपका जो फैटी एसिड्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो गए जिस वजह से हमें इसे फाउल स्मेल आती है। कंबशन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आपके जो फ्यूल्स का बर्निंग हो रहा है। बट जो आप सोडा बॉटल्स को ओपन करो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ना कि ऑक्सीजन। ठीक है, तो दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि वो आपके कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं ना, सोडा बॉटल और जो भी आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है, Who among the following is not a recipient of the Nobel Prize in Physics in 2023? Nobel Prize आपके कब distribute होते हैं? December month। Exam आपका कब? December 2022 में आपके Nobel Prizes जो हैं distribute हुए थे। April 2023 में आपका exam था। तो अब आप देख सकते हो कि 4 months पुरानी current affair आपसे पूछी थी। इसी प्रकार से अब आप लोग का एग्जाम सितंबर में है, तो ये मत सोचो कि ये नहीं आ सकता। यहाँ पर फिजिक्स का नोबेल प्राइज पूछा है, हो सकता है आपसे मेडिसिन का नोबेल प्राइज पूछ रहे, मेडिसिन का नहीं पूछ रहे हैं तो हो सकता है आप लोगों से केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज पूछ रहे, तो कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में आप लोगों से, बी प्रिपेयर फॉर दैट। ठीक है, तो हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 2022। The right answer for the question is, this is a direct answer, so this is close hazard नहीं थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था 2022। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें गाइस। चीता ब्रॉड फ्रॉम नामीबिया were introduced in India to which one of the following national park? कौन से national park में जब Namibia से जो चीता लेकर आए थे हम इंडिया में, उसको कौन से national park में, जो आपके newly formed national park है उनमें से एक है, तो that is your Puno national park। अब आप मुझे बता सकते हैं Kaziranga national park कहाँ है, Kyulaidyo Thana national park कहाँ है, Kebu Lamzao national park कहाँ है और Puno national park कहाँ है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ गाइस। पुनो नेशनल पार्क आपके कौन से स्टेट में सिचुएटेड है?
2018 में स्टैब्लिश हुआ था एंड इट इज इन मध्य प्रदेश। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में है, कियोलेडियो घाना नेशनल पार्क आपका राजस्थान में है, केविल लमजाओ नेशनल पार्क आपका मणिपुर में है, पूनो नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यस, आपसे पूछा गया है दिस इज अ कॉमन फिनोमिना जो एग्जिस्ट करता है, आप एक्सपेक्ट करते हैं तो रिफ्लेक्स आर इन्वॉल्व इन एनिमल्स फॉर क्विक एंड एफिशिएंट रिस्पॉन्सेस। मतलब अभी कोई मुझे फिंगर यहाँ पर पाम में कोई पॉइंट पे चीज को प्रिंट करेगा तो आई मूव अवे माई हैंड। ठीक है, आगे स्टोन है या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो हमारे अंदर रिफ्लेक्स आर इवॉल्व हुए जिसकी वजह से हम तुरंत ही एक्शन क्विक एंड एफिशिएंटली रिस्पॉन्ड करते हैं और अपने आप को कोई भी हार्मफुल अगर हमारे साथ कोई एक्टिविटी होने वाली हो तो उससे हम बचाते हैं। यहाँ पर पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स ए रिफ्लेक्स आर्क। क्या होता है, किस तरह से रिफ्लेक्स आर्क जो है फ्लो करती है, क्या एक सीक्वेंस है जब रिफ्लेक्स आर्क की हम बात करते हैं तो उसमें जो फॉलो होता है। ठीक है, योर ऑप्शंस आर देयर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, तो व्हाट वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रिफ्लेक्स आर्क आर इन्वॉल्व इन एनिमल्स। ठीक है, सबसे पहले तो रिसेप्टर, वो जो पर्सन है वो उसका जो बॉडी पार्ट है वो रिसीव करेगा उस पर्टिकुलर सिग्नल को। ठीक है, फिर सेंसरी न्यूरॉन्स वो सिग्नल को लेकर जाएंगे, तो पहले वो सेंसरी न्यूरॉन्स जो है सिग्नल को रिले न्यूरॉन्स को ट्रांसफर करेंगे जो आपके स्पाइनल कॉर्ड है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वहाँ से सिग्नल्स आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वहाँ तक ट्रांसमिट होंगे। देन मोटर न्यूरॉन्स, ब्रेन से मोटर न्यूरॉन्स जो रिस्पोंड आपको करना है उस पर्टिकुलर एक्शन के अगेंस्ट, वो रिस्पोंड आपका सेंड करेगा कि आप ये एक्शन कर लो एंड दैट अकर्स इन विद इन सेकंड, दैट इज अ क्लोज्ड पाथवे। अकॉर्डिंग टू दिस आप कोई भी एक्टिविटी करते हो परफॉर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पर है गाइस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर थायराइड ग्लैंड्स टू मेक थायराइड्स। तो थायराइड ग्लैंड जो है इट इज अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ऐसा नहीं है कि एंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी में एक जगह मौजूद है, नो, इट रन्स ऑल ओवर आवर बॉडी। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो ग्लैंड्स मौजूद है उनका मेन काम होता है हॉर्मोन्स को रिलीज करना और ये हॉर्मोन्स टारगेटेड ऑर्गन तक आपके फंक्शनिंग को एफिशिएंटली करने में हेल्प करते हैं। तो थायराइड ग्लैंड्स यहाँ पर आपके नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, बटरफ्लाई शेप का ये आपका ग्लैंड होता है, इसके दो लोब्स इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और यहाँ से आपका T3 T4 दो हॉर्मोन्स और साथ में कैल्सिटोनिन हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होता है। तो T3 एंड T4, ठीक है, ये जो आपके थायरोक्सिन और ट्राइऑर्डोथायरोक्सिन और आपका टेट्राऑर्डोथायरोक्सिन, ये जो आपके दो हॉर्मोन्स हैं इनके बनाने के लिए आयोडीन का जो एक मिनरल न्यूट्रिएंट है उसके रिक्वायरमेंट होता है जो कि हमें फूड से मिलता है। बेसिकली हम डबल फोर्टिफाइड जो सॉल्ट लेते हैं ना अपनी डाइट में जिसमें आयरन एंड आयोडीन दोनों प्रेजेंट होते हैं उससे आप इंटेक करते हैं। आयोडीन की डेफिशिएंसी से आपको जो गोइटर का रोग होता है वो आपके गले में स्वेलिंग हो जाता है। ठीक है, और आयोडीन तो ये थायरोक्सिन हॉर्मोन को बनाने के लिए आयोडीन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इतना एक्सप्लेन करके मैंने आपको चीजें बता दी है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, इन प्लांट सेल्स आरएनए इज प्रेजेंट। आरएनए कहाँ पर प्रेजेंट होता है बच्चा, प्लांट सेल्स में। क्वेश्चन इज प्लांट सेल्स में आरएनए कहाँ पर प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिया एंड न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्म ओनली। इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियाई, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियाई, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम्स। आरएनए कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं,
राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है यस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई, साइटोप्लाज्म में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं, ये आपका राइबोसोमल यूनिट्स में प्रेजेंट। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप आंसर करेंगे सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ग्रासेस इंटर कैलरी मेरिस्टम इज यूजली लोकेटेड एट। देखो जब मैंने आपको मेरिस्टमेटिक टिश्यूज के बारे में बताया, जब हमने टिश्यूज तो कर लिए ना, तो हम देखते हैं प्लांट में मेरिस्टमेटिक टिश्यूज यहाँ पर आपका टिप पे प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टम, जो आपके प्लांट के शूट को एंड रूट पार्ट को एलोकेट करने में हेल्प करता है। ये जो आपका मतलब चौड़ाई बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल होता है लेटरल मेरिस्टम, और वहीं पर आपका दो नोड्स के बीच का जो एरिया है उसको एलोकेशन में हेल्प करता है आपका इंटर कैलरी मेरिस्टम। क्वेश्चन आपसे पूछे कि ग्रासेस में इंटर कैलरी मेरिस्टम कहाँ पर लोकेटेड होगा, रूट टिप पे नहीं होगा, वहां पे आपका एपिकल मेरिस्टम होगा। लेटरल साइड्स ऑफ द स्टेम की बात करें, बेस ऑफ द लीव्स की बात करें, या फिर शूट टिप की बात करें, राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन बिफोर दिस टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है, बताइए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। Guys, what would be the right answer for this question? Be quick. Yes, the right answer for the question is it is present at the base of the leaf. Leaf के base में, यहाँ पे तो मैंने apical meristem बोल दिया, यहाँ पर भी apical meristem present होता है, lateral side of the stem में जो कि उसके girth में help करता है, यहाँ पर आपका lateral meristem present होता है leaf के base में। ठीक है, आपका ये intercalary meristem मौजूद होता है। ठीक है, अगला question है आप लोगों के लिए screen पर। Xylem is a type of complex tissue in plants for upward conduction of water. You have, sorry, plants have two permanent tissues, xylem and phloem. So xylem help करता है पानी का upward root से ऊपर की तरफ movement में. Which of the following xylem tissue consists of living cells? मैंने बोला कि pipe जो होता है ना वो non-living के अंदर से बोल रहे हो, तो मेल का ऊपर supply करना. लेकिन xylem के जो तीन important चार जो elements होते हैं, उनमें से तीन आपके non-living होते हैं, एक living होते हैं. इसलिए living आपके सेल्स प्रेजेंट होते हैं, आपको बताना ऑप्शंस में से लिविंग सेल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकेट्स में, वेसल्स में। ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द जाइलम टिश्यू, जो कि पानी के अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है। जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा आल्सो, लेकिन पैरेन्काइमा के अंदर आपके लिविंग सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंड दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इट इज रियली गुड टू रीड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन। Yes, you have three resistors of resistance 11, 22 and 33 connected in parallel. Three resistors R1 11 ohm, R2 22 ohm और R3 है आपके पास 33 ohm. आपको बताने जब आप इनको पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो 1 upon 11 plus 1 upon 22 plus 1 upon 33। ठीक है, आपके पास जो ये तीन यहाँ पर है, आप इनका एलसीएम लेंगे 11 1 2 3 2 3 12 11 22 3 66 आप आया यहाँ पर एलसीएम 11, ये आपका 3 6 पर, तो यहाँ आपका 6 plus 22 के टेबल में 66 आपका 3 पर, 33 के टेबल में 66 आपका 2 पर, तो हेयर कम्स 6 प्लस 5 कितना हो गया आपका
11 upon 66 here comes 1 upon 6 and if 1 upon r equivalent is equals to 1 upon 6 r है तो r equivalent कितना आएगा आपका 6 ओम ठीक है it's easy and मतलब बहुत ही एक तरह से ट्रिक के भी बोल सकते हैं अच्छा क्वेश्चन है सॉल्व करने के बाद इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का आंसर है वैसे इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बताऊं डायरेक्ट तरीका क्या है मैंने पूरा आपको फॉर्मूला बता दिया है कि जब भी आप लोगों के पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस गिवन है और आपका जो सर्किट है उसमें वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो जो इनमें से सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस है दैट इज 11 ऑप्शंस में 11 ओम से जो कम वैल्यू होगी वही इस क्वेश्चन का आंसर लेकिन अगर एग्जामिनर ने दो तीन ऑप्शंस ऐसे दिए हैं जिनमें आपकी 11 से कम वैल्यूज है तो आपको ये फॉर्मूला लगा के उस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करके तब अटेम्प्ट करना पड़ेगा क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ रहे हैं एग्जाम्स में जिनमें एग्जामिनर पता है क्या कर रहे हैं आपसे जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं दैट क्वेश्चंस आर टू चेक द कि आप एग्जैक्ट आंसर बता भी पाते हो या नहीं जैसे कि इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ ठीक है तो हियर आई एम एंडिंग टुडेस लेक्चर फॉर यू गाइस मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में अभी के लिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं बाय बाय एंड टेक केयर